इंडिया द बिग स्टोरी देख रहे हैं आप। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होते तो अभी तक मुख्यमंत्री बने रहते, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन कर जो कुछ कमाया वो सब खत्म हो गया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने सीएम पद पर न बने रह पाने की अपनी टीस उजागर की। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कुमार स्वामी ने कहा कि मैंने 2006-07 में बतौर मुख्यमंत्री राज्य की जनता का जो भरोसा हासिल किया था और उसे अगले 12 साल तक बनाए भी रखा, लेकिन कांग्रेस से हाथ मिलाकर हमने उसे खो दिया। कांग्रेस गुट ने मेरी प्रतिष्ठा नष्ट की। जनता दल सेकुलर के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने मैसूर में कहा कि मैं अभी मुख्यमंत्री होता अगर बीजेपी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता। कुमार स्वामी ने कहा कि 2018 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद सिद्धरमैया और उनके गुट ने मेरी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया। मैं सिर्फ उनके जाल में फंसता चला गया क्योंकि मैं देवगोड़ा के कारण गठबंधन के लिए सहमत था। पूर्व सीएम ने कहा कि 2018 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने सिर्फ एक महीने तक आंसू क्यों बहाए, मुझे पता था कि क्या चल रहा है। बीजेपी ने 2008 में मेरा उतना नुकसान नहीं किया जिस तरह से कांग्रेस ने 2018 में किया। एचडी कुमार स्वामी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने आरोप लगाया, कुमार स्वामी झूठ बोलने में माहिर हैं। वो राजनीति के खातिर हालात के मुताबिक झूठ बोल सकते हैं। जेडीएस को 37 सीटें मिलने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनाना क्या हमारी गलती थी? 2018 के चुनाव में किसी को बहुमत नहीं। दो साल पहले 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस और जनता दल एस ने मिलकर सरकार बनाई। एचडी कुमार स्वामी को सीएम बनाया गया। दोनों पार्टियों ने पिछले साल साथ मिलकर लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन इसके बाद गठबंधन में आंतरिक मतभेद गहरा गया और कुछ विधायकों की बगावत के चलते गठबंधन सरकार का पतन हो गया। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।